लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। मुलायम सिंह जी हमारे वरिष्ठ हैं आयु में अनुभव में, लेकिन अब मेरा उनसे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। मोहम्मद आजम खान ऐसा लंपट धूर्त भ्रष्टाचारी और चोर व्यक्ति है जिसने कब्रिस्तान के कब्र को नहीं छोड़ा, अनाथों के अनाथालय को नहीं छोड़ा, हिंदुओं के हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, राष्ट्र की राष्ट्रीयता का के साथ सार्वजनिक अपमान किया, भारत माता को डायन कहा। वह मुलायम सिंह जी का सबसे करीब का व्यक्ति है और मुझे मालूम था कि मुलायम सिंह जी के साथ रहना ये पराभव को सहना है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कर्ण कौरव के साथ ये जानते हुए भी थे कि पराजय निश्चित है, उसी तरह से निश्चित पराजित होने का संज्ञान होने के बावजूद मैं गद्दारों की सूची में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता था, इसलिए अंत तक मुलायम सिंह के साथ कायम रहा। लेकिन फिर स्वयं मुलायम सिंह ने कह दिया कि आप निर्वाचन आयोग में मेरे साथ नहीं आएंगे, आप लखनऊ नहीं आएंगे, मेरे निवास पर नहीं आएंगे, और बहुत ज़रूरी होगा तो पिछले दरवाजे में से चोर की तरह आएंगे। एक बताएं अखिलेश यादव का बयान कि धोखा दिया है, ये बिल्कुल बेहुदा और अनर्गल बयान है, क्योंकि एक अर्ध निर्मित मेट्रो और अर्ध निर्मित हाईवे को काम बोलता है कनारा देने वाले अखिलेश यादव। कम से कम किसानों के एक बड़े वर्ग का लाभ और कम से कम गेहूं के कोई दलाल बीच में ना हो, इसके लिए एक क्रय विक्रय केंद्र की घोषणा और एंटी रोमियो स्क्वाड में भी उन्होंने आपसी सहमति से जो युवक युवती मिल रहे हों उनको तंग करने पर कड़े कार्रवाई का संकेत दिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि पुरुष और स्त्री में आपसी संबंध और निजी रिश्ते के आधार पर जो भी संबंध हो उस पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो स्त्रियों के ऊपर जो अनाचार अत्याचार हो रहा है और जो घटनाएं बलात्कार की बढ़ी हैं, तो राजा से ज़्यादा राजा का इकबाल बोलता है, तो योगी से ज़्यादा योगी का इकबाल बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में राजसत्ता के भोगी बैठे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश का प्रशासन और जनता रोगी हो गई थी, और भोगियों के राज में भोगी के राज में रोगी को ठीक करने के लिए एक योगी आया है, इसका स्वागत कीजिए। अच्छा, कि बनारस में विनायक ग्रुप है, उसमें गणेश नाम के एक व्यक्ति हैं, मूल रूप से यह पूरी संपत्ति अबू आजमी की है और मुझे पूरा संशय है कि यह दाऊद इब्राहिम का पैसा इसमें भारी निवेश हुआ है। तो प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में बनारस में महादेव की नगरी में अगर आतंकवाद पल रहा है ऐसा कथित रूप से मैंने सुना है विश्वसनीय सूत्रों से, तो मैं चाहता हूँ विनायक ग्रुप की पूरी जाँच हो, उसके पीछे फ्रंट मैन कौन है और बेनामी संपत्ति विधेयक के अंतर्गत कार्रवाई हो, ये गणेश कौन है, इसके अबू आजमी से क्या संबंध है, और अबू आजमी के इकबाल मिर्ची से जो मर गए हैं उनकी पत्नी हिना कौशर से, दाऊद से, और हाफिज इल्तिफाक जो डायमंड रिसोर्ट फैजाबाद रोड के मालिक हैं जहाँ पर अबू आजमी का रहना होता है, और जिनकी लड़की सीमा से दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का विवाह है, ये क्या तार हैं, इसकी NIA से जाँच होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश को इस समाजवादी राजनीतिक आवरण में जो आतंक का एक पोषक पोषण किया गया है इसका पर्दाफाश होना। कई सरकारों को आप लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।